एक पुत दे वल्लों अपनी माँ का बड़ी बेरहमी दे नाल कतल किया गया। माँ का कसूर यह सी कि वह अपने पुत नूं गलत कम्मां तों रोकदी सी और उसे का नतीजा इस नूं भुगतना पिया। बदमाश पुत ने अपनी माँ का तेज तर हथियार दे नाल कतल किया और इस पुत ते पहला भी कई मामले दर्ज ने तो पुलिस दे वल्लों जांच पड़ताल की जा रही है और यह माँ अपने पुत नूं क्राइम की दुनिया दे विच जाण तों रोकदी सी। बस ये टोका टकाई तो दुखी हो के पुत ने तेज तर हथियार दे नाल अपनी माँ ते वार किते जिस दे नाल उसकी मौत हो गई। मामला सोनीपत के पिंड खेड़ी मंजात का है जिथे रिश्तों के विच खटास आई। कसूर माँ का यह सी कि वह अपने पुत नूं गलत कम्मां तों रोकदी सी। टोका टकाई बर्दाश्त ना हुंदी देख पुत ने तेज तर हथियार दे नाल नुकीले हथियार दे नाल अपनी माँ नूं मौत दे घाट उतार दिता। कुंडली थाने की पुलिस के वलों इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। भाई मैं, मेरा नाम बिल्लू प्रधान है। मैं किसी गांव से पानीपत गया था। मेरे रास्ते में जब था तो गांव से मैसेज गया था मेरे पास है कि ऐसे ऐसे बलराज चरणों पर अमर सिंह के लड़के के की घरवाली की डेथ हो गई है। फिर मैं आगे देखा था उसको पता चला कि वो लड़का था उनका जो मौके पर तो नहीं मिला लेकिन जो इतना हल्ला था और कोई आदमी नहीं दिखा। लड़के शायद ये लगा कि लड़के के माँ के साथ लड़के ने किया है। अच्छा, क्या किस चीज से वार किए गए हैं? पता नहीं, कोई नुकीला हथियार था क्या, पत्ती थी क्या था नुकीला? कितने वार किए गए कुछ पता चला? वो नहीं पता चला। पेट में मारे गए? हाँ, पेट के आसपास ही है। क्या क्या नाम है सर लड़के का, बता? नवीन नाम है। मृतक क्या क्या मृतक? निर्मला, निर्मला। कितने साल की उम्र होगी? 55-56 के आसपास की। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ऐसा स्पेशल टीम भी आ रही है। मामला निकल गया है कि खेड़ी मन्ना जात में आज हमें सूचना मिली कि इस गांव में एक निर्मला नाम की औरत का उसके बेटे नवीन ने कत्ल कर दिया है। जिस सूचना पर हम पहुंचे हैं, हमें आके सिचुएशन देख कर पता चला, उसके फादर बलराज ने बताया कि भाई जो लड़का था वो आवारा किस्म का था और उसके खिलाफ़ पहले भी आर्म्स एक्ट का पर्चा है गुड़गांव में और यहाँ भी इसके खिलाफ़ गाँव में कोई पर्चा था। तो परिवार ये समझाता था भाई आप गलत रास्ते पर ना चलें, तो कुछ की बात भी ये नहीं मानता था और परिवार के कहने सुनने से बाहर था। और आज ये तैश में आके, गुस्से में आके, यार अपनी इसनी यही इसी बातों को अभी आप मुझे किस बारे में टोक रहे हो, हैं? तो माँ बाप ने यही इसके कहते थे, माँ बाप गलत रास्ते पर ना चलो, कहने सुनने में और कहने सुनने में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इसने आज अपनी माँ का मर्डर कर दिया। सर, किसी की हत्या की है सर? अभी देखो पता नहीं चला, यही तो यही लगा किसी तेज़ हथियार से इसने अपनी माँ का मर्डर किया है। आरोपी फिलहाल फरार है, लेकिन हम जल्दी इसको राउंड अप कर लेंगे। एक पुत दे वल्लों अपनी माँ का बड़ी बेरहमी दे नाल कतल किया गया। माँ का कसूर यह सी कि वह अपने पुत नूं गलत कम्मां तों रोकदी सी और उसे का नतीजा इस नूं भुगतना पिया। बदमाश पुत ने अपनी माँ का तेज तर हथियार दे नाल कतल किया और इस पुत ते पहला भी कई मामले दर्ज ने तो पुलिस दे वल्लों जांच पड़ताल की जा रही है और यह माँ अपने पुत नूं क्राइम की दुनिया के विच जाण तो रोकदी सी। बस ये टोका टकाई तो दुखी हो के पुत ने तेज तर हथियार दे नाल अपनी माँ ते वार किते जिस दे नाल उसकी मौत हो गई। मामला सोनीपत के पिंड खेड़ी मंजात का है जिथे रिश्तों के विच खटास आई। कसूर माँ का यह सी कि वह अपने पुत नूं गलत कम्मां तों रोकदी सी। टोका टकाई बर्दाश्त ना हुंदी देख पुत ने तेज तर हथियार दे नाल नुकीले हथियार दे नाल अपनी मां नूं मौत दे घाट उतार दिता। कुंडली थाने दी पुलिस दे वल्लों इस मामले दी तफ्तीश की जा रही है। भाई मैं, मेरा नाम बिल्लू प्रधान है। मैं किसी गांव से पानीपत गया था। मेरे रास्ते में जब था तो गांव से मैसेज गया था मेरे पास है कि ऐसे ऐसे बलराज चरणों पर अमर सिंह के लड़के के की घरवाली की डेथ हो गई है। फिर मैं आगे देखा था उसको पता चला कि वो लड़का था उनका जो मौके पर तो नहीं मिला लेकिन जो इतना हल्ला था और कोई आदमी नहीं दिखा। लड़के शायद ये लगा कि लड़के के माँ के साथ लड़के ने किया है। अच्छा, क्या किस चीज़ से वार किए गए हैं? पता नहीं, कोई नुकीला हथियार था क्या, पत्ती थी क्या था नुकीला? कितने वार किए गए कुछ पता चला? वो नहीं पता चला। पेट में मारे गए? हाँ, पेट के आसपास ही है। क्या क्या नाम है सर लड़के का, बता? नवीन नाम है। मृतक क्या क्या मृतक? निर्मला, निर्मला। कितने साल की उम्र होगी सर? 55-56 के आसपास की। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ऐसा स्पेशल टीम भी आ रही है। मामला निकल गया है कि खेड़ी मन्ना जात में आज हमें सूचना मिली कि इस गांव में एक निर्मला नाम की औरत का उसके बेटे नवीन ने कत्ल कर दिया है। जिस सूचना पर हम पहुंचे हैं, हमें आके सिचुएशन देख कर पता चला, उसके फादर बलराज ने बताया कि भाई जो लड़का था वो आवारा किस्म का था और उसके खिलाफ़ पहले भी आर्म्स एक्ट का पर्चा है गुड़गांव में
और यहाँ भी इसके खिलाफ गांव में कोई पर्चा था तो परिवार ये समझाता था भाई आप गलत रास्ते पर ना चलें, तो कुछ के बाद भी ये नहीं मानता था और परिवार के कहने सुनने से बाहर था। और आज ये तैश में आके गुस्से में आके यार इसकी अपनी इसने यही इसी बातों को अभी आप मुझे किस बारे में टोक रहे हो हैं, तो माँ बाप ने यही इसके कहते थे माँ बाप गलत रास्ते पर ना चलो कहने सुनने में और कहने सुनने में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इसने आज अपनी माँ का मर्डर कर दिया। अभी देखो पता नहीं चला है, यही तो यही लगा भाई किसी तेजधार हथियार से इसने अपनी माँ का मर्डर किया है। आरोपी फिलहाल फरार है लेकिन हम जल्दी इसको राउंड अप कर लेंगे।